सुकमा से बड़ी खबर है। 3 इनामी सहित 7 नक्सलियों ने सुकमा एसपी के सामने विस्फोटक के साथ किया आत्मसमर्पण। सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शासन की समर्पण नीति से प्रभावित होकर 1-2 लाख और 2-1 लाख के इनामी नक्सली सहित 7 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वहीं ये नक्सलियों ने कई बड़े हमले में शामिल रहे। वहीं सभी कोटा एरिया में सक्रिय रहे। नक्सलियों के लालगढ़ कहे जाने वाले इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे। इसके लिए यह बड़ी सफलता है। समर्पण नीति और नक्सलियों के विकास विरोध नीति से तंग आकर 7 नक्सलियों ने साथ ही 35 किलो जिलेटिन राड विस्फोटक के साथ समर्पण किया है। दरअसल नक्सलियों की नीति से परेशान होकर लगातार नक्सली मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। समर्पण नक्सलियों के सुकमा पुलिस को भी कामयाबी मिली है। दरअसल समर्पण नक्सली उन इलाकों का जानकारी देते हैं जहाँ पर नक्सलियों ने अपनी पैठ जमा रखी है और पुलिस विभाग को समर्पित नक्सलियों से मिली जानकारी में सफलता हासिल होती है और छापेमार कार्रवाई कर नक्सलियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली है। वहीं सुकमा एसपी चल्लभ सिन्हा ने बताया कि लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो हम चला रहे हैं उससे हमको मुठभेड में भी सफलताएं मिल रही हैं और साथ साथ जो एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है लोगों के ऊपर में वो भी हो रहा है। इसी के तहत काफ़ी सारे जो नक्सली कार्डर्स हैं वो शासन की समर्पण नीति से प्रभावित होकर के मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं और इसी के तहत आज हमारे पास 7 नक्सली पूर्व नक्सली जो हैं वो सरेंडर करने के लिए आए हुए हैं। इनमें से 3 हैं जो कि जिनके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ है, जिसमें से एक है जिसका नाम सोडी जोगा है जो कि प्लाटून नंबर 24 का सदस्य रहा है, जिसके ऊपर 2 लाख का इनाम है। इसके अलावा 2 और हैं जिनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम है और बाकी सारे भी जितने हमारे पास में ये ग्राउंड लेवल पे नक्सली कार्टर्स को सपोर्ट करना आरपीसी के मेंबर हो करके इस तरीके के काम ये लोग कर रहे थे और एक जो है इसमें से जिनका के नाम सोडी मंगा है ये शिक्षक के रूप में जो नक्सलियों की स्कूल चलती है उसमें सहायक शिक्षक के रूप में तैनात थे और वहाँ काम कर रहे थे। तो ये सारे के सारे नक्सली कार्डर को छोड़ करके शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आज हमारे पास आए हैं। साथ ही साथ हम लोगों को एक और अच्छी सफलता मिली है कि हम लोगों को जो इनका विस्फोटक सामग्री है वो भी आज बरामद हुआ है। जिलेटिन रॉड्स 19 नग हैं जिनकी लगभग 35 से 40 किलो का वजन है और इनमें से ही इनके साथी ओडीएम नंदा ने इनको बरामद कराया है और इसी तरीके से उम्मीद है कि आगे भी सफलता